वैसे तो यार मैं ये सोच रहा था कि खाना वाना खाते हैं, लेकिन मौसम इतना सही हो रहा है तो यहाँ पे जब भी आए ना तो एक तो यहाँ की चाय और पनीर। यार मेरा नाम है शाहजेब। और मेरा नाम है अशर। तो यार आज का व्लॉग कुछ ऐसा है सीन कि हम लोग जा रहे थे आज दिल्ली से। आप लोगों को जो लोग पिछला व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग दिल्ली थे, और जो नए तो वो भी यार एंजॉय करें इस व्लॉग को, क्योंकि यार इस टाइम नोएडा की 20 सड़कों पर हम खड़े हैं। मौसम देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार, आज के मौसम ने एंड कर दिया। क्यों अशर भाई क्या कहते हो? यार मैं यही कहूंगा यार, जब भी हम दिल्ली से वापस जाते हैं या कुछ होता है अक्सर बारिश होती है। हाँ। लेकिन हम लोग बाइक पर हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ ग्राफिक कार्ड भी था। हाँ। जिन लोगों को पता हो जो जुड़े होंगे इससे पहला व्लॉग देखा होगा, तो हम लोगों ने काफी तरीके से पॉलिथिन में करके सही से पैक कर दिया है। तो अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा ये व्लॉग बनाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन एकदम से हम अलीगढ़ पहुंच जाए तो एक रिलेट नहीं कर पाता बंदा व्लॉग से, तो इस वजह से व्लॉग बनाना और हुआ। और जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे जैसे ही खत्म होता है तो वहाँ पे एक शिव ढाबा है, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मली ढाबों में इतना ज्यादा चलता है कि कुछ कहने का नहीं। तो सोच रहे हैं वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे भी और आपको भी दिखाएंगे कि जो लोग यमुना से अलीगढ़ जाते हैं या आगरा जा रहे हैं, आगरा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ रुक के आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा। मतलब जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे खत्म होगा फौरन ही वो ढाबा है, शिव ढाबा है, उल्टे हाथ पे जब आप लौट रहे होते हो दिल्ली से आगरा या अलीगढ़ की तरफ। बैग कुछ इस तरीके से, ये मेरा बैग हो रखा है, बैग ये हेलमेट ये रहा मेरे हाथ में। तो यार ऑन द वे आज व्लॉग स्टार्ट करने का अलग ही मजा है, और पता नहीं आवाज क्योंकि हवा बहुत ज्यादा हवा है, बहुत तेज है, और तो, सब ट्राईपॉड वगैरह सब अंदर रख दिया था। हाँ, तो क्योंकि बारिश एकदम से होने लगती है फिर रुक जाती है, तो इसलिए थोड़ी साउंड हो सकता है उसमें, हवा की आवाज हो या हो तो उसके लिए। लेकिन भाई यार आज बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे रोड पे, और ठंडी ठंडी हवा, आपको पता हाईवे पे चारों तरफ पेड़ पौधे, कितनी अच्छी फ्रेश मतलब वाइब होती है। क्यों भाई? हाँ, फ्रेश वाइब तो है, लेकिन जिस दिन जा रहे होते हैं उसी दिन मौसम अच्छा हो जाता है, ये रोने की बात है यार। तो अब पहुँचते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे। एक्सप्रेस वे लग चुका है और मौसम भी उसके साथ साथ साफ हो चुका है यार, और लगता है कि हम लोग बहुत बिना भीगे हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में ऐसा था कि हल्का हल्का झरना पड़ रहा था। क्यों अशर भाई है ना, और अब लग रहा है कि अब पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, मुझे तो लग रहा था यार कि बैग वैग भीग गया तो काफी परेशानी हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि सुकून से पहुंच जाएंगे। तो अभी अब जैसे ही अपना एक्सप्रेस वे खत्म होता है तो शिव ढाबे पहुंच के बताते हैं बात आपको आगे की। हाँ भाई, बने रहिए ब्लॉग में। तो यार जैसा कि हमने बताया था, पीछे टॉल है और यहाँ पे देखो शिव ढाबा का बोर्ड आ चुका है टॉल क्रॉस करते ही। वैसे एक्चुअल में शिव नहीं, शिवा ढाबा है, शिवा ढाबा। हम लोग ज्यादातर शिव ढाबा कहते हैं। आज पहली बार एक्चुअल में बोर्ड देखा है हम लोगों ने खुद, लेकिन शिवा ढाबा है, शिवा ढाबा। शिवा ढाबा की तरफ आप देख सकते हैं, अभी से देख सकते हैं, दिन का वक्त है और रात में तो अलग ही भीड़ होती है, बहुत खतरनाक फुल हरियाली का यहाँ पे मजा लेते हुए, और क्राउड देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ पे। तो अब चलते हैं अंदर, हम लोग ट्राई करते हैं कुछ, अशर भाई और मैं। वैसे तो यार मैं ये सोच रहा था कि खाना वाना खाते हैं, लेकिन मौसम इतना सही हो रहा है तो यहाँ पे जब भी आए ना तो एक तो यहाँ की चाय और पनीर पकौड़े रहते हैं वो काफी मशहूर है, तो अभी हम लोग वही ट्राई, या फिर लच्छा पराठा देखेंगे, तो इन दोनों में से कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। कुछ ऐसा सा सीन हो रखा है यार यहाँ का, अशर भाई बैठे हैं, ट्राई भी कर लिया इन्होंने ब्रेड पकोड़े को, तक ब्रेड पकोड़े नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे अशर भाई? पकोड़े, पनीर पकोड़ा कहेंगे।
और पानी की बोतल वोतल सब कुछ आ चुका है, अचार भी आ चुका है, बारी है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ यार और बताता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्राई कर लिया था तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे तो बहुत सही लगा, लेकिन इसके साथ ग्रीन चटनी और होती ना तो और मज़ा आया था। लेकिन ये शायद दही की चटनी है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्वाद लग रहा है। कुछ इस तरीके से वो है, आलू प्याज का पराठा मंगाया है, उसकी कीमत है 60 रुपए। आलू का प्याज का पराठा बहुत लाइट है, मतलब मसालों में कोई तेजी नहीं है, लेकिन ओवरऑल काफी टेस्टी लग रहा है। तो यार जैसा कि अशर भाई ने आपको बताया, टेस्ट इसका पराठे का बहुत सौंदा है और ब्रेड पकौड़े का, तो यार इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है, बहुत टेस्टी है शिव ढाबे का भी। जैसे हमने आपको दिल्ली में चांदनी चौक में बताया था ना, तो यहाँ का कुछ ऐसा सा सीन है, पूरा व्यू अशर भाई खा रहे और हेलमेट वगैरह सामान बीच में रखा हमारा, तो मौसम बारिश में और पकौड़े और चाय और पराठे का मज़ा तो आपको पता ही है। तो अब इसे करते हैं ट्राई, चलते हैं आगे। तो यार फाइनली सब कुछ खा लिया था, 60 रुपये का पराठा था और पनीर पकौड़े की जो प्लेट थी वो थी 120 रुपये की, तो ओवरऑल देखा जाए तो 300 रुपये करीब खर्च हुआ और काफ़ी सही था एक्सपीरियंस। वहाँ तो मैं सही से बता नहीं पा रहा था कि कैसा टेस्ट था क्या नहीं था। मेरे हिसाब से यार पनीर पकौड़े सही में बहुत ज़्यादा सही थे, और यहाँ चाय और पनीर पकौड़े तो कुछ ज़्यादा ही सही माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ चाय और पनीर पकौड़ों पे ही है। रात में यहाँ और ज्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे कि सुखदेव में था, जहाँ पे पॉपुलैरिटी रहती है वहाँ प्राइस मैटर नहीं करते। जरूरी नहीं है कि कोई क्वालिटी है, जरूरी नहीं है कोई चीज बहुत बढ़िया है तो वहाँ पैसे बहुत ज्यादा ही हुआ। अब ये नहीं है कि 5 स्टार होटल हो तो बस वही अच्छा मिलता होगा और कहीं नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी तो यहाँ जब आए तो हमें लगता है, और अमृत सुखदेव भी गए तो हमें लगता है कि हर अच्छी चीज महंगी नहीं होती। हाँ। इस बात का ये बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर इंसान को अगर पेट वेट भरना है और नॉर्मली मतलब आना है, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे वैसे 2 रेस्टोरेंट पड़ते हैं उल्टे हाथ पे, जो उनका उसमें स्टारबक्स वगैरह भी है। हाँ। लेकिन अगर नॉर्मली देसी खाना बेहतरीन तरीके से करना है तो मेरे हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना आगरा एक्सप्रेसवे पे ये एक जगह वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे। और टॉल से पहले वाला पड़ता है जो शर्मा जी अभी रेस्टोरेंट बता रहे थे, और टॉल के बाद पड़ता है आपका शिवा ढाबा। तो फिर से हम लोग गलत बता रहे थे। हाँ। तो यार यही था ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस, मिलते हैं व्लॉग में आगे। अगर सुकून से घर पहुंच जाते हैं तो समझ लेना आप पहुंच चुके हैं, वो लोग अगला व्लॉग अगर आता है तो। हाँ, तो शाजिब जैसा कह रहा है कि अगर आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलता है तो समझ जाना कि हम लोग सुकून से पहुंच गए थे। और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे व्लॉग खत्म करते हैं, क्योंकि बारिश भी होने वाली है। हाँ, मौसम हो रहा, टिप टिप छोटी छोटी बूंदे पड़ रही हैं अभी भी हल्की हल्की बूंदे हैं। तो यहीं पे व्लॉग खत्म करते हैं, और लास्ट बात ये, प्लीज यार अगर आप नए हो इस चैनल पे यार प्लीज सब्सक्राइब करो और एक थम्स अप जरूर बनता है इतनी दूर आने के लिए। तो यार हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ी सा एफर्ट कर दिए, बस लाल वाला बटन है वो आपको दबाना है और उसके ऊपर बेल आइकन है वो दबानी है बस। तो बस ज्यादा बातें ना करते हुए यहीं पे करते हैं व्लॉग को खत्म। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।